हेलो साथियों, आज हम लोग फिर से एक नए कंसेप्ट और नए ट्रिक के साथ, हर रोज एक डोज के साथ मिलते रहेंगे। तो चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन अभी तक में सबसे नया प्रश्न है, तो इस नए प्रश्न को हम लोग किस टेक्निक से बनाए कि हमारा आंसर निकल जाए, आप थोड़ा देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, क्या है? कॉस टू ए इंटू कॉस टू बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ से इसे आपको सॉल्व करना है। अभी तक आप ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस टू ए इंटू कॉस बी को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपको दिखता होगा, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसे तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, ठीक है। ये फर्स्ट टूट गया, इंटू साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, ठीक ना। अब देखिए, दोनों का कहानी जब टूट गया, तब अगला स्टेप हम क्या करेंगे? ये कॉस टू ए इंटू कॉस टू बी, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए, साइन ए प्लस बी, अब प्लस साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन ए इंटू कॉस बी होता है। इतना के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इतना के लिए फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी। अब आगे चलते हैं, देखिए, साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी बराबर होता है माइनस टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखिए, माइनस गुने प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे, कॉस टू ए इंटू कॉस टू बी माइनस। अब देखिए, साइन वाले को एक साथ, ए वाले को एक साथ और बी वाले को एक साथ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस ए गुने टू साइन बी इंटू कॉस बी। क्या ऐसा होगा? ए वाले को एक साथ और बी वाले को एक साथ कर दीजिए। अब देखिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़े हैं, तो चलिए उसको लिख दीजिए, कॉस टू ए इंटू कॉस टू बी माइनस, इसके लिए साइन टू ए और इसके लिए साइन टू बी हो जाएगा। तो ये हो गया साइन टू ए इंटू साइन टू बी, ठीक ना। अब देखिए, छोटा टर्म में आ गया, कॉस टू ए इंटू कॉस टू बी माइनस साइन टू ए इंटू साइन टू बी, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है कॉस ए प्लस बी का, यानी टू ए प्लस टू बी का। कॉस टू ए प्लस टू बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस टू ए इंटू कॉस टू बी माइनस साइन टू ए इंटू साइन टू बी, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से कितना फॉर्मूला लगा, पहला एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला, टोटल पांच वो फॉर्मूला का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को इतनी छोटे भागों में तोड़कर बना दिए हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या आया है? कॉस टू ए प्लस टू बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक का फॉर्मूला अलग अलग तोड़ कर लिख देते हैं। क्या लिख दे? चलिए,
आगे की थोड़ा हम फॉर्मूला भी लिख दें जो आपके लिए आसान हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहिएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहां से आपको कहे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां से कहिएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को एक बार क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ दिएगा तब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा। देखिए कॉस ए साइन बी प्लस में कॉस ए साइन बी माइनस में, तो ये एगो प्लस में एगो माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, यानी बचा क्या टू साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी। दूसरा देखिए, पहला में से दूसरा को यदि आप घटा दीजिएगा, पहला में से दूसरा को यदि आप घटा दीजिएगा तो क्या बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब पहला में से दूसरा को आप घटा दीजिएगा तो देखिए ये प्लस में है तो प्लस में ही रह जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए ये साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा टू कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। तो यहां से दो फॉर्मूला निकल कर आया और यही दोनों फॉर्मूला का प्रयोग मैंने उस क्वेश्चन में किया। ठीक है, चलिए अब एक फॉर्मूला और उपयोग किए थे, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के देखे हैं तो हम वहां पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला का उपयोग किए थे। अन्य फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी का, देखिए कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर इसी में माइनस वाला पूछे कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देख लीजिए माइनस वाला यहाँ पर प्लस वाला पूछेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस वाला पूछेगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के फॉर्मूला और ट्रिक के साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।